श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं, मेरे साथ आप सभी शामिल होंगे और देश विदेश से जुड़े हुए सभी लोग एक साथ पूज्य श्री के चरणों में वंदन करने के लिए चलते हैं। भोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आपको विदित ही है पूज्य श्री का बिहार कुंडलपुर से चल रहा है, सने सने बढ़ते बढ़ते आज भोपाल नगर में प्रवेश हुआ और अभूतपूर्व आगवानी भोपाल नगर के लोगों ने मिलकर के की, ना कि किसी एक कॉलोनी, समूची भोपाल वालों ने जो भाव भी नहीं पूज्य श्री की आगवानी की है। इससे ऐसा लगता है कि हो सकता है पूज्य गुरुदेव का मन बन जाए कि चातुर्मास यही हो जाए, ऐसी भावना ये कर रहे हैं। पर देखते हैं, अभी समय बहुत है, हो सकता है गाड़ी आगे बढ़ भी जाए तो ऐसा पुण्य जगाओ कि पूज्य गुरुदेव को लौट करके फिर आना पड़े, ऐसी भावना। और बंधुओं, आगामी 21 तारीख को जो विश्व योग दिवस है उसमें आप देखेंगे ना कि सिर्फ भारत के लोग, समूचे विश्व के लोग जिसमें जुड़ेंगे भावना योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ, तन को स्वस्थ और मन को मस्त करने के लिए। यह भावना योग में आप समूचे लोग एक साथ इसी भोपाल नगर में देखेंगे। अपन चलते हैं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलें। और मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में विराजमान है पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज, जिनसे निवेदन करूंगा महाराज श्री आपके मुखारविंद से इस शंका समाधान का आगाज होवे। निवेदन कर रहा हूं, नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। आज राजधानी में यह शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रारंभ करें, उसके लिए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती शशि जैन खिमलासा भोपाल। बंधुओं, जब पूज्य महाराज श्री जी का चातुर्मास 1995 में इधर हुआ और इनको पिछली भी मिली है 2000 के उससे भोजपुर के चातुर्मास में, जब जब कठिन विधि महाराज श्री जी ने ली गुरुदेव ने और इनके यहाँ वो विधि मिली, आज उनके प्रश्न का भी नंबर प्रथम प्रश्न में आ गया। श्रीमती शशि जैन यहाँ पर खिमलासा है तो उपस्थित है, हाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद मीना जैन कैची छोला, जिन्होंने भी पर्चियां डाली है वो यहाँ पर उपस्थित जल्दी हो जाए तो ठीक रहेगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन कैची छोला। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छाई महाराज श्री। ओ बोलिए। हाँ महाराज श्री, स्वाध्याय संबंधित प्रश्न करने की अनुमति नहीं है तो मैं अपना एक स्वयं के जीवन का एक प्रश्न करना चाहती हूँ। महाराज श्री, लौकिक परीक्षाएं तो बस साल में एक बार ही देना पड़ती हैं, लेकिन एक गृहस्थ में जो व्रती रहता है उसके लिए अपने जीवन की परीक्षा प्रति समय देना पड़ती है, वह परीक्षा कब तक दे और कब वह सफल हो पाएगा, इसका आप हमको देखिए। परीक्षा देने से वो घबराते हैं जो ढंग से पढ़ते नहीं, जो ढंग से पढ़ाई करते हैं वो हर पल परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं, और न केवल परीक्षा के लिए तैयार रहते हैं वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा में पास भी होते हैं। जीवन के हर क्षण में परीक्षा है, हमारे धैर्य की, हमारे संयम की, हमारे समझ की, हमारी क्षमता की। जिसको जीवन की सही समझ होगी वो हर घड़ी पास होगा, और जो उसमें कमजोरी रखेगा वो फेल होगा। इसलिए परीक्षा से कभी घबराइए मत, जीवन को ठीक तरीके से समझिए और आगे बढ़िए। ओम ओम चलिए।
मीना जैन कैंची छोला, उसके बाद में अजय कीर्ति जैन जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं, वे तैयार हैं। स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। चरित्र एक वृक्ष है, वह प्रतिष्ठा या सम्मान उसकी छाया, किंतु छाया को सब चाहते हैं पर वृक्ष का ख्याल कोई नहीं करता। कारण तो चरित्र रूपी वृक्ष कैसे रह रहा है। बस जड़ को सुरक्षित रखोगे तो सब ठीक है, लेकिन आजकल लोग फल खाना चाहते हैं जड़ को उखाड़ कर। चलिए आगे, जो प्रश्न यहाँ दिया है वही बोले, प्रश्न यहाँ दूसरा था। चलो आगे। हाँ, उसके बाद में अजय कीर्ति जैन जो ट्रस्टी है गुणायतन के, वो तैयार रहेंगे। श्री आदिश जी जैन भोपाल जो गुणायतन के ट्रस्टी है, वे भी बोलो जल्दी से। मंचासीन सभी साधु संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्राय जीवन के पूर्वार्ध में चेतन में देह को निहारते हैं और उत्तरार्ध में देह में चेतन को निहारते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, क्या ही अच्छा हो कि हम चेतन में चेतन को ही निहारते रहें और वो चिरंतन सुख को प्राप्त करें। बहुत अच्छी बात आपने की है। प्रारंभिक अवस्था चेतन देह में चेतन को निहारते हैं और चेतन को देह में निहारते हैं और उत्तर अवस्था में देह में चेतन को निहारते हैं। मैं कहता हूँ कम से कम चेतन को याद तो करते हैं। लोगों को तो चेतन ही नहीं दिखता क्योंकि अंदर चेतना नहीं है। अंदर की चेतना जगाएं, अपने हृदय में भेद विज्ञान को प्रगटाएं जिससे अपने चैतन्य को आगे बढ़ाया जा सके। ओम नमस्ते गुरु नमस्ते। आदिशी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा आज राजधानी में जिन्होंने प्रातःकाल की बेला में गुरुदेव की आगवानी भी की और अभी यहाँ पर उपस्थित है प्रथम नागरिक के रूप में जो महापौर हैं आपके यहाँ की, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अच्छा मी गुरुदेव, मेरा एक लौकिक प्रश्न है कि भगवान आदिनाथ भगवान का निर्माण कैलाश स्थान से हुआ और आज उसको अष्टापद के नाम से लोग जानते हैं, तो इन दोनों में क्या समन्वय है, स्थान कौन सा है? अष्टापद और कैलाश पर्वत दोनों एक दूसरे के नामांतर, अट्ठावे पब्बे हमारे यहाँ ऐसा उल्लेख आता है कि अष्टापद से भगवान ऋषभदेव का निर्माण हुआ और उसी का कैलाश भी आता है, तो दोनों एक दूसरे के नामांतर हैं। बद्रीनाथ को जो अष्टापद कहने लगे हैं वो एक्चुअल में अष्टापद नहीं है, अष्टापद तो कैलाश मानसरोवर ही है और वहीं उसकी सब चीजें उपलब्ध है। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। अपने बीच में श्रीमती मालती राय जी महापौर भोपाल और उनके साथ में क्षेत्रीय पार्षद विनीता जी सोनी और क्षेत्रीय पार्षदी पूजा शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत अभिनंदन करें और इन तीनों ही, ये तीनों ही अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखना चाह रहे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरुवरों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा आग्रह है। आग्रह यह है कि भोपाल की महापौर होने के नाते मेरा आग्रह है कि आप भोपाल में और जितने लोग इस चैनल में देख रहे हैं सभी को आपके श्री मुख से आदेश हो जाए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया है उसके लिए जैन समाज के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक और किसी का व्यवसाय है प्लास्टिक मुक्त व्यवसाय अपने घर को अपनी दुकान को कर लें, ये बहुत बड़ा सहयोग भोपाल के साथ साथ अन्य देशों में भी होगा स्वच्छता के लिए। और दूसरा मेरा आग्रह है पर्यावरण को बचाने के लिए स्वजातीय बंधुओं से आग्रह है कि वो अपने बच्चों के अपने परिवार के जिसका भी जन्मदिन पड़े तो एक पौधा अवश्य लगाए और उस पौधे को लगाकर पर्यावरण में सहयोग करें। यदि आपके सिरमुख से ये दोनों भोपाल सहित सभी जगह आदेशित हो जाएगा तो निश्चित ही जैन समाज के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग भारत को मिल जाएगा। देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपकी महापौर महोदया ने यहाँ पर प्रकट की है। मैं तो चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन आप सभी कर दूँ।
आपने जो दो बातें उठाई है दोनों मेरे मन की है, मेरी प्रिय बातें हैं, मैं अक्सर इन बातों को उठाते रहता हूँ। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना चाहिए। प्लास्टिक आने वाले समय में पूरे विश्व के सामने एक विकराल समस्या बन रही है। लाखों टन प्लास्टिक का अवशिष्ट समुद्र में जा रहा है, समुद्री जीव जंतुओं को भी उससे बाधा पहुंच रही है और भविष्य में समुद्र के जल स्तर को भी ये बुरी तरह प्रभावित करेगा। कल ये हमारे लिए बड़ा काल बन सकता है। धरती पर भी जहां प्लास्टिक का अवशिष्ट रहता है उससे भारी नुकसान होता है, इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हमारे पास वैकल्पिक उत्पाद है तो उनका प्रयोग पहले करना चाहिए। मैंने तो कई जगह अभियान चलाया और लोगों ने उसको किया भी कि प्लास्टिक के बैग की जगह कागज़ या कपड़ों के बैग को चालू कराएं। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी, कुछ जगह लोगों ने किया। कोटा की महिलाओं ने एक बहुत अच्छा उपक्रम किया कि घरों से साड़ी कलेक्ट करके थैले बनवाए और लोगों को उपलब्ध कराया और लोग प्लास्टिक की जगह उनका प्रयोग करना शुरू किए। यदि महिलाएं इस अभियान को आगे बढ़ा दें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी प्रयोग में न लें और जो प्लास्टिक यूज भी करे उसे यहाँ वहाँ न फेंके, उसे सुरक्षित रखे ताकि उनको रिसाइकिल बिन में डाल करके उसे ठीक किया जा सके। लोगों को इसका व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए और सरकार को भी इस पर पुख्ता तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। चूँकि आप महापौर हो, मुझे इतना तो पता है कि भोपाल पर अधिकार आपका है, क्यों ना भोपाल से इसकी शुरुआत हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक वैधानिक तौर पर उसका विक्रय और प्रयोग प्रतिबंधित हो और सरकार तक ये बात पहुँचे, सरकार इसे प्रतिबंधित करे पूरे प्रदेश और देश के स्तर पर। क्योंकि जिससे हमारी धरती क्षत विक्षत हो, जिससे हमारी प्रकृति विनष्ट हो, उसे हमें रोकना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ियों के साथ हम न्याय कर पाएंगे, अन्यथा बहुत कुछ खो देंगे। एक जागरूकता भी लोगों को होने के अंदर होनी चाहिए। हम केवल अपनी सुविधा ना देखें, हम इस धरती की सुरक्षा को देखें, उसके सौंदर्य को भी देखें। सब चीज़ें प्लास्टिक में आजकल आने लगी है, उसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए और इसके लिए संकल्पित होना चाहिए। मैं इस आपके निवेदन के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं और आप इनका प्रयोग न करने के लिए संकल्पित हो जाएं। महाराज जी, यहाँ जितने लोग बैठे ये संकल्प, मैं वहीं आ रहा हूँ, आप इस बात के लिए संकल्पित हों कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, इससे बहुत बड़ी हिंसा आप लोगों के द्वारा होती है। घर के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आप प्लास्टिक के बैग में या पाउच में फेंकते हैं, सड़कों पर फेंकता है, इधर उधर फेंकता है, और जितने भी मवेशी हैं खासकर गोवंश गायें उनको खाती हैं, उनके पेट में प्लास्टिक जाते हैं और जब जुगाली करती है तो प्लास्टिक निकल के आती, उनकी श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, अकाल मृत्यु की शिकार बनती। यानी ऐसा करके लोग अनजाने में गौ हत्या के पाप के भागी बन जाते हैं। गौशालाओं में ऐसी ऐसी गायों की सर्जरी हुई है जिनके पेट से 35-35 किलो तक प्लास्टिक निकला है। इसके जिम्मेदार कौन? आज यहाँ बैठे सभी लोग दो संकल्प लें। पहला संकल्प कि सिंगल यूज प्लास्टिक का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं, और दूसरी किसी भी खाद्य पदार्थ को हम प्लास्टिक के बैग में नहीं डालेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? सभी लोग हाथ उठा करके संकल्पित हो जाइए। पूरी महिलाओं का हाथ नहीं उठ रहा है, क्या बात है? एकदम भोपाल की महिलाएं तो एकदम आगे उठा जी के आदेश पर जो संकल्प लेगा वो हाथ उठाए, एकदम से एकदम संकल्पित हो जाइए। सभी का हाथ उठता दिखना चाहिए, पूरे हाथ एक से बिल्कुल। हमारे पास विकल्प है, कागज के बैग है, कपड़े के बैग है, उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपने पर्यावरण की सुरक्षा पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, ये बहुत गंभीर बात है। पर्यावरण है तो हमारा जीवन है। पर्यावरण तहस नहस हो जाएगा तो हमें श्वास लेना भी दुभर होगा, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तो सभी को कटिबद्ध होना चाहिए।
मैंने सुना है कि आज विश्व को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 5,00,000 करोड़ वृक्षों के आरोपण की जरूरत है। 5,00,000 करोड़ वृक्ष अगर लगेंगे तब हमारा पर्यावरण सुधरेगा। चलिए एक साथ 5,00,000 करोड़ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अपने जीवन में एक वर्ष में एक पेड़ भी लगाना शुरू करें तो भारत में 140 करोड़ पेड़ तो लग ही सकता है। ये प्रयोग किया जा सकता है। आप सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोग अपने अपने घरों में आज दूर बैठकर इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, ये संकल्प ले, और मैं तो इस चातुर्मास में इस अभियान को और गति देना चाहूँगा कि इस बारिश में मानसून के आते ही हम लोग अपने हाथों कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे और 10 लोगों को 10-10 पेड़ लगाने के लिए संकल्पित करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। आज इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। न केवल पेड़ लगाएं, अभी तो एक कदम और आगे बढ़े, प्राकृतिक जल स्रोतों को सुरक्षित करें, चाहे वो नदियां हो, तालाब हो, कुएं हो, कुछ भी हो, इनको आप संरक्षित करें। यदि समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय बहुत बुरा होगा। आपने बहुत ही अच्छी बात पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, मैं समझता हूँ इससे एक अच्छी शुरुआत होगी। आज भोपाल में आया और पहले ही दिन भोपाल की ने से सभा से इस बात को दुनिया में पहुँचाया जा रहा है। लोग इससे प्रेरित हों, आंदोलित हों और आगे बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षेत्रीय पार्षद, हाँ, जैसा कि अभी मेरे जैन समाज के बंधुओं ने भी कहा कि आपका चतुर्मास भोपाल में ही हो, इसके लिए महापौर होने के नाते मैं भी आपसे आग्रह करूंगी कि आपका चतुर्मास भोपाल में हो और भोपाल की जनता को आपका आशीर्वाद मिले, ऐसा आप प्रयास करें। बिल्कुल, चतुर्मास का आग्रह आप लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अभी चतुर्मास पे तो बहुत समय है, अभी जितना उसका लाभ ले लो और अपना पुण्य इतना जगा लो, इतना जगा लो, इतना जगा लो कि पुण्य ऐसा मेरे आड़े आए कि मैं ना चाहूँ तो भी मुझे भोपाल में रुकना पड़ जाए, ये आपको करना है। हाँ, क्षेत्रीय पार्षद ही प्रश्न करना चाह रही। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में फेल हो जाते हैं, मुझे तो वो डिप्रेशन चले जाते हैं, उनके लिए क्या हाल है, ऐसा क्या उनको माइंड डाइवर्ट किया जाए कि वो ऐसा गलत काम ना करें। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल। सबसे पहले तो हमें इसके कारणों पर जाना, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे दो कारण, एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर्स और दूसरा बच्चों से एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले मैं अभिभावकों को कहूँगा, आज हर माँ बाप अपने बच्चों को IITN बनाना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को CA बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, MBA कराना चाहते हैं, पर समाज का हर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हमें उसके टैलेंट को देखना चाहिए, उसकी प्रतिभा को देखनी चाहिए, उसकी रुचि को देखनी चाहिए और साथ साथ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देख करके चलना चाहिए। इन बातों को अनदेखा करने का परिणाम ये होता है कि बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, वहाँ उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है जिसे वो संभाल नहीं पाते। प्रारंभ से ही एक प्रतियोगिता के दौर में वो जुड़ जाते हैं, फिर परिवार का उनसे इतना एक्सपेक्टेशन होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। बचपन से ही आप लोग बच्चों के दिमाग में ये बोझ डाल देते हैं, छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की भी रैंक की बात करते हैं। ये तो अच्छा हुआ है कि आजकल कुछ क्लासेस में इस तरह की व्यवस्थाएं बदल दी गई, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो प्रेशर है और एक्सपेक्टेशन है ये बहुत भयानक है। तो पहली बात, ये प्रेशर ख़त्म होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन ख़त्म होना चाहिए। इस प्रेशर के कारण अपने जान खो दी, तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं, रैंक से काम नहीं होता, प्रतिभा आगे बढ़ती है। और बच्चों को ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई
IITian या कोई अच्छा हायर प्रोफेशनल है उसका ही कैरियर ऐसी बात नहीं है। कैरियर की बहुत संभावना है, व्यक्ति के अंदर हुनर होना चाहिए, वो जहाँ चाहेगा वहाँ अपना कैरियर बना लेगा। और लोगों को मैं बताऊँगा, एलन मस्क के पास कोई डिग्री नहीं है, बिल गेट्स कोई डिग्री वाला नहीं है, धीरू भाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी, और वर्तमान के शहंशाह गौतम अडानी के पास कोई डिग्री नहीं है। तो कहाँ आप पीछे पड़ रहे, कोई सोचो नहीं। ये सब चीज़ें दूर की बात है, हम लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है। है क्या कोई डिग्री, हम तो पढ़े ही नहीं उतने। ये बात अलग है कि आचार्य महाराज के पास कोई डिग्री नहीं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं, हम साधुओं के पास, लेकिन हम लोगों की किताबें लोग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और डॉक्टरेट कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब चीज़ें दिमाग से हटाइए, डिग्री 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 की बात को हटाइए, अपनी प्रतिभा को जगाने का प्रयास कीजिए। अगर बच्चों के मन में ये बात बिठा दी जाए तो बच्चे बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन सब बातों का समावेश हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद ये समस्याएं कुछ कम होगी। आप बोलिए। हाँ, अगला प्रश्न कर रही हैं क्षेत्रीय पार्षद पूजा जी शर्मा। गुरुवर के चरणों में शत-शत नमन करती हूँ। नमस्तु महाराज जी। मैं इस क्षेत्र की पार्षद हूँ, तो मैं ये बस ये बोल पूछना चाहूँगी आपसे कि मैं सामाजिक क्षेत्र के अनुसार महिलाओं के लिए, वैसे तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सी सहायता करी है महिलाओं के लिए, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ छोटे स्तर पे अपने तरफ से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ सुझाव दें मुझे। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे लेकिन सच है, इसलिए बता देता हूँ। मुझे लगता है कि आज के समय में महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनके पीछे महिलाएं ज़्यादा हैं। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, एक बार महिलाएं मेरी बात का अनुमोदन करें, जोर से करें थोड़ा। ये ज़्यादा है, इसलिए एक जागरूकता लाए महिलाओं के प्रति कि महिला महिला के उत्पीड़न से बचे। पुरुष तो बेचारे लपेटे में आ जाते, कानून भी सब बने सो इन्हीं लोगों के लिए बने, लेकिन जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन? नारी प्रगतिशील बने, नारी समाज आगे बढ़े, महिलाओं का उत्थान हो, ये आज की जरूरत है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब नारी नारी के साथ खड़ी होगी। लेकिन क्या बताऊं, आज की नारियां नारी के साथ खड़ी नहीं हो रही, वो नर बनने की तैयारी कर रही। नतीजा क्या हो रहा है, वो नर बन नहीं पा रही, नारी रह नहीं पा रही, ना इधर की ना उधर की, गदरे सी स्थिति है। क्या होगा, प्रकृति सुलभ जो गुण है उसे अपने अंदर जगाइए, नारियोचित कर्तव्यों और गुणों के पालन से ही नारीत्व सुरक्षित होगा, और जब तक नारीत्व सुरक्षित है तभी तक धरती सुरक्षित है, सभ्यता सुरक्षित है, संस्कृति सुरक्षित है। इसलिए हमें नारीत्व को बचाना है और जीवन को आगे बढ़ाना है, ऐसा प्रयास करना है। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति भोपाल, संध्या जी जैन, मनीषा सुपारी और गोपुरा वो प्रश्न पूछेंगे, और उसके बाद में पाठशाला परिवार विद्यासागर पाठशाला परिवार चौट मंदिर भोपाल तैयार रहेंगे। ओ हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निर्विक सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु, सभी सुल्ला जीगियों को एक छामिक 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 महाराषि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हम चारों ओर देख रहे हैं कि इंसान जिससे भी नज़दीकियां बढ़ाता है ऊपर मीठा मीठा और अंदर से उसके साथ चतुराई करता है या छल कपट मन में रखता है, यदि हमें उसका यह व्यवहार समझ आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए, और क्या करना? कैसे महाराज जी कैसे? बस जान लो, उससे उलझो भी मत, उससे चिपको भी मत। नमोस्तु महाराज जी। आगे, हाँ, आगे वाला तैयार रहे ना, विद्यासागर पाठशाला चौट मंदिर भोपाल, जिसमें सेलू दीदी उधर माइक पहुंचाए, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं।
त्रय मुनिराज के चरणों में पूरा पाठशाला परिवार की तरफ से नमस्तु महाराज जी। चुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि आगमानुसार लड़कों के लिए तो उपनयन संस्कार की व्यवस्था दी गई है, लेकिन सब बच्चियां पूछती हैं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, कौन संस्कार हमारे होने चाहिए? देखिए, उपनयन संस्कार की व्यवस्था बच्चों के लिए है, लेकिन जैसे मुनियों के लिए जो क्रियाएं हैं वही आर्यिकाओं के लिए भी भूमिका अनुरूप हो जाती है, इसी तरह जो बच्चों के लिए क्रियाएं हैं भूमिका अनुसार बच्चियों को भी कर देना चाहिए। महाराज जी हमारी मतलब भावना है कि यहाँ पर भी सारे बच्चों के संस्कार हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत भावना पूरी हो जाएगी। चलिए भावना भाई है, प्रतीक्षा कीजिए। चलिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदीप जी जैन बंसिया परिवार अध्यक्ष भानपुर। महाराज जी प्रणाम। हाँ आगे आ जाए मंत्री जी। पूर्व मंत्री जी अपना प्रश्न रखते हैं, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें पीसी शर्मा जी के लिए जो लोकप्रिय विधायक भी रहे यहाँ भोपाल के। ये मैं अचानक आया और आपके दर्शन के बाद ये भूल गया कि पूछना क्या है, लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि हम लोग प्रयत्न करते हैं बहुत सी चीजों के लिए, हल हो जाए वो और फिर भी हल नहीं होता, तो ऐसी चीजों को हमको कैसे लेना चाहिए अपने जीवन के अंदर? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार पीसी शर्मा जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। मुझे याद है पिछले प्रवास में शायद ये धर्मस्व विभाग के मंत्री थे और बहुत ही सक्रियता से अपनी भागीदारी दे रहे थे। और अभी भी लाल घाटी में एक राम यज्ञ चल रहा है, वही चला रहा हूँ। बहुत सुंदर, इसलिए ये चलिए इस ड्रेस में भी हूँ। बहुत अच्छा, सही ड्रेस में हमारे हिसाब का ड्रेस है। हमारे इस ड्रेस में हमारी संस्कृति झलकती है। देखिए एक बात मैं बीच में बोलूंगा, सभ्यता चाहे कितना भी करवट बदले, दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमें अपनी मौलिक पहचान को बना के रखना चाहिए और कुछ खास अवसरों पर तो हमें अपना वही परिधान पहचान पहनना चाहिए जिसमें हमारी विशिष्ट पहचान। ये चीज सबको मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण सवाल है कि हम प्रयत्न करते हैं कि हल हो जाए हल हो जाए, और हल होता नहीं तो हम क्या करें। मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि एक बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर ले कि हमारे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की उक्ति को आत्मसात कर लीजिए। प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा प्रयत्न करूं और पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी जो परिणाम निकले उसे अपना प्रारब्ध मान करके स्वीकार लूं, मन को संतोष होगा। लोग प्रयत्न कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। अगर मैंने जो कहा उस उक्ति को आत्मसात कर लिया जाए तो प्रयत्न का उत्साह भी बना रहेगा, परेशान भी नहीं होंगे। हताशा तब आती है जब लोग अपने प्रयत्न के अनुकूल परिणाम नहीं चाहते, अपेक्षा रखते हैं वैसा परिणाम नहीं होता। अपेक्षित परिणाम न होने से हताशा आती है, पर अपेक्षा ही मिट जाए तो उत्साह जगता है। इसलिए अपने आप को अपेक्षा मुक्त रख करके चले। बहुत शुक्रिया संदीप जी जैन बंसिया परिवार अध्यक्ष भानपुर, जिन्होंने आज सुबह की अगवानी को भी जन जन तक पहुंचाया। और मुझे आगा जी बता रहे थे कि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने जब तक रस्ते में थे तभी तक देख लिया था। ऐसे बंसिया परिवार वाले अभी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ के व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी पंजाबी। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव, 15 वर्ष पुरानी पंच कल्याणक में बनी हुई पांडव शिला या बेदी यदि किसी प्रकार से जर्ज स्थिति में हो जाती है या उसे हटा दिया जाए। फिर से बोलिए। 15 वर्ष पुरानी पंच कल्याण की पांडुक शिला या बेदी यदि जर्ज स्थिति हो उसे हटा दी जाए, क्या उसी स्थान पर नई पांडुक शिला बनाना जरूरी है? हाँ, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पांडुक शिला अधिक जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं और उनका उत्थापन विसर्जन हो जाता है, तो समय
काल और समाज की आवश्यकताओं को देखकर आप उसको विसर्जित करके कुछ भी वहाँ कार्य कर सकते हैं। नमस्कार। जिस स्थान पर आप सब लोग बैठे हुए हैं वह पूरा स्थान सुलभ कराया है यहाँ की किराना व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुनील जी पंजाबी, जो अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी जैन, भावना योग का अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहते हैं वे, चंदन नगर। दीपक जी जैन। मनोज सभी महाराजियों के चरणों में दंडवत प्रणाम, मनोज जैन चंदन नगर, दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ महाराज जी। शायद ये मेरा ही सवाल ना हो, औरों का भी हो सकता है। मैं एक सनातनी हूँ, मैं उसमें अपना जाति का परिचय, मेरा नाम सुनील त्रिहान है, उपनाम सुनील पंजाबी, त्रिहान मतलब खत्री, खत्री मतलब छत्री, छत्री मतलब पंजाबी। तो वो महाराज जी उसमें ये मेरा प्रश्न था कि और कोई सनातनी अगर जैन मंदिर में अभिषेक करना चाहे तो वो कैसे पात्र हो सकता है, कर सकता है कि नहीं, और कभी हमें ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हम आपको या आप जैसे संतों को हार करा पाए। देखिए जैन धर्म बड़ा उदार धर्म है और सबके साथ सब प्रकार की व्यवस्थाएं, पर कुछ चीजें हम लोगों की संहिताओं से बंधी है। अगर कोई ऐसा भाव रखता है हम लोग उनका हृदय से स्वागत करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी जो संहिता है उसका अनुपालन करना होगा, और यदि ऐसा होगा तो ये सबके लिए अनुकरणीय होगा। बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए, और आपने छत्री की बात की ना, ये जितने जैनी बैठे हैं इनके अतीत में जाओ ये सब छत्री थे। और एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ, यहाँ ज़्यादातर परवार जैन है, परवार वंशी पोर पट्टानवई जैन का इतिहास बताता है ये सब विक्रमादित्य के वंशज हैं। विक्रमादित्य सब छत्री थे, उनके भ्राता अरहद बलि एक महान जैन आचार्य बने थे, ये इतिहास बताता है। इसके पूरे अभिलेखीय साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं। तो जितने भी जैन हैं आज बनिया भले बन गए पर हैं सब छत्री, समझ गए। इसलिए हमें उसको स्वीकारने में कोई हानि नहीं है, अपने आचार विचार और व्यवहार को हमें वैसा बनाना चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ मनोज जी जैन चंदन नगर, आप देख रहे हैं पूरे के पूरे भावना युग में हैं, जो महाराज श्री जी जो कमांड देते हैं रंगे हुए हैं, और वो अपना अनुभव स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, ये वो शख्स है जिसका मैं थोड़ा आगे आ जाओ सामने से, हाँ, जिसका मैं भावना योग के संदर्भ में और अपने प्रवचनों में अक्सर उदाहरण देता रहता हूँ, क्योंकि मैं नाम तो लेता नहीं लेकिन उदाहरण देता हूँ। ये ब्रांड एम्बेसडर है भावना योग का। ये शख्स अपने क्रोध पर कैसा नियंत्रण पाया, मैं तो अपने मुंह से बोलता ही था। आज ये पहला मौका है जब ये इस सभा में उपस्थित हुआ है। पिछली बार जब करौत के मंदिर में, चंदन नगर के मंदिर से निकल रहा था तब इसका मुझसे परिचय हुआ। ये खुद अपना अनुभव संक्षेप में आप सबके बीच रखेंगे। बोलो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके ही कृपा है कि भगवान मैं आज आपके श्री चरणों में खड़ा हूँ। मुझे भगवान वाचनिक दिक्कत है, लेकिन सबसे पहले मैंने उस पर ही कंट्रोल पाया। बोलने में दिक्कत होती है, हकलाहट जिसे कहते हैं, आप सब लोग नहीं जान पाए ना मुझे पकड़ पाए कोई, पर मैंने आपके भावना योग से सबसे पहले अपने आप को ठीक किया भगवान। उसके बाद मेरी किराने की दुकान है, वहां से कोरोना काल में हजारों हजार घरों तक ये मैं शांत हूं मैं स्वस्थ हूं के स्टिकर पहुंच जाए। मेरी बहन को 53% कोरोना हुआ, मैंने उसके घर में यही बड़ा स्टिकर लगाया, औषधि अपना काम करती रही, डॉक्टर नारायण जी की औषधि मैंने भी ली, लेकिन साथ में भावना योग भी मैं करता रहा। वो 23 दिन में ठीक होकर आरोन अपने घर चली गई और आज वो 10-10 किलोमीटर का विहार कर लेती है भगवान। मेरी मौसी को भी भीषण बहुत ज्यादा इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, और उस समय मैं सम्मेलन शिखर जी में था, वहां मेरे पास फोन पहुंचा कि इनको भावना योग के माध्यम से आप इनको संबोधन दीजिए। मैंने फोन के माध्यम से संबोधन दिया, आज अगर मेरी मौसी यहां मौजूद हैं तो चलकर मंदिर तक जा सकती हैं। भगवान आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, और मैं चाहता हूं कि मेरा रोम रोम क्षण क्षण
आपके लिए समर्पित रहे। भगवान मेरा एक प्रश्न है आपके श्री चरणों में। वो तो बताओ जी भगवान। शांत हूँ क्रोध। हाँ भगवान, भगवान जी मेरी स्थिति है, मेरी धर्मपत्नी जी हैं और भी धर्मपत्नी मेरे भाइयों की यहाँ पर मौजूद होंगी। अच्छे से दिखा दो। देख लो जरा, देखो कितनी बड़ी भीड़ आपको देख रही है, सब गुरु जी कृपा से। मेरी स्थिति बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव की थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन जब आपका भावना योग 2021 में भगवान यहाँ पर ही देखा था मैंने, साकेत नगर में भगवान यही किया था आपका, और वहां भी किया था, लेकिन यहाँ का मेरे मस्तिष्क में बैठ गया 7, 8, 9 मार्च को। वो मेरे पूरे रोम रोम में बस गया भगवान। अब मुझसे कोई बात करता है तो मैं एक ही जवाब देता हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। अभी कहा बहुत सारे व्यापारी यहां बैठे हुए हैं जिनको एक ही जवाब होता है, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। मैंने 4 बजे उठकर 1 साल तक स्वयं इस पर चिंतन किया कि इससे दुनिया की कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसे मैं ठीक कर सकता हूं आपकी कृपा से, अपनी कृपा से नहीं, आपकी कृपा से। बीपी हो, टेंशन हो, आज जो अभी दीदी ने प्रश्न उठाया कि तुम तो ये बताओ तुम्हारे गुस्से का क्या हुआ। गुस्सा भगवान आपके सामने खड़े होकर तेजस्वी से बोल पा रहा हूँ, यही आपका उपहार है भगवान मेरे ऊपर, यही आपकी कृपा है। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और भगवान बहुत सुंदर, और भगवान इसकी इसी भावना योग से आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी के संग में एक साधु हैं जिनकी मुनि दीक्षा हो गई, वो भोपाल में आए थे, अल्प प्रवास था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूज्य गुरुवार प्रमाण सागर जी का भावना योग 6 महीने किया और देखो आज मैं मुनि बन के आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत जबरदस्त भगवान। और एक प्रश्न है भगवान कि आज वर्तमान स्थिति में बहुत सुंदर जिनालय बनाए जा रहे हैं, बहुत सुंदर जिनालय बनाकर सम्यक दर्शन मोक्ष के कारण बनाए जा रहे हैं, पर जिनके मंगल आशीर्वाद प्रेरणा साधना तपस्या से जो जिनायतन बन रहे हैं, जो जिन मंदिर बन रहे हैं, उन्हीं साधुओं के लिए आज निहार का अभाव है भगवान। ये पीड़ा मुझे भी होती है कि भारत में मैंने अभी भोपाल के 45 मंदिर पदयात्रा से किए, मुश्किल से 5-6 मंदिर ऐसे होंगे जहां पर निहार का स्थान है। वो निहार की व्यवस्था भगवान आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे, पूरे भारतवर्ष की समाज को आपको मार्गदर्शन। पहले नमस्ते कहूंगा कि भावना योग का जो अनुभव इन्होंने आप सबके बीच प्रकट किया, ये आपका अनुभव भी हो सकता है, और सभी को नियमित भावना योग करना चाहिए। आगामी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के अवसर पर यहाँ भावना योग का बृहद कार्यक्रम संपन्न होगा, और उसमें हम सब सीधे भावना योग करेंगे, लेकिन एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाता है। इनकी धर्मपत्नी ने हमसे कहा था, महाराज ये प्रचंड क्रोधी थे, अब शांति मूर्ति हो गए, इन्हीं के शब्द थे, यही थे ना, और ये आज शांति के रूप में आ गए। तो मैं कहता हूँ बहुतों के ऐसे होंगे मेरे पास ले आना, या बहुतों की ऐसी होगी उनको शांति देवी बनाया जा सकता है, ये रास्ता अपने आप सुलझ सकता है। आपने जो बात की वो बहुत ही सामयिक सवाल है, समाज को साधुओं की परिचर्या करने की जिम्मेदारी है, उनकी परिचर्या की अनुकूल व्यवस्था समाज को बनानी चाहिए, और इसके लिए समाज को अपने स्तर पर पहल करना चाहिए। जिन जिन मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है उन्हें अपने योजनाओं की प्राथमिकता में से जोड़ना चाहिए, ताकि आपके यहाँ आने वाले साधु संतों को उनके चर्या के अनुकूल सुविधाएं मिल सके। ओ जिनवाणी वैयावृति समिति महिला मंडल चोट मंदिर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो बिहार की टीम है, पूरा बिहार जा रहे हैं, उसमें आज प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है नयन जैन अनूप जैन को। जिनवाणी वैयावृत्ति समिति चौक की सभी बहनों की तरफ से मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, गैस पर रखा दूध यदि जल जाता है तो उसकी बदबू घर की खिड़की और दरवाजे खोलकर निकाली जा सकती है, और यदि दिल में घृणा बैर और नफरत यदि आ जाती है तो अंतरंग के कौन से खिड़की दरवाजे खोलूं जिसमें प्रेम और बाशल की खुशबू आए और घृणा और बैर की बदबू से निकल जाएं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, दूध के जलन की बदबू को खिड़की खोलकर बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन हृदय के घृणा द्वेष बैर नफरत की बदबू को कैसे निकाले? अगर हृदय के किसी कोने में ऐसा हो रहा है तो कुछ मत करिए, क्षमा और सद्भावना का परफ्यूम डाल दीजिए, बदबू अपने आप दूर हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। बिहार टीम, हाँ
एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के उत्साह युवाओं के लिए जो पूरा का पूरा बिहार सब कुछ अपना घर बार छोड़कर पूज्य मुनि संघ के चरणों में रहते हैं और पूरा बिहार करा रहे हैं। हर तरह की कुछ असुविधा भी रहती है तो भी ये लोग अपने आप में मस्त रहते हैं और पूरी भैयावृत्ति करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जोरदार ताली और प्रश्न आज कर रहे हैं नयन जैन। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकाल बार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि हर सवाल का जवाब देना उचित, हर सवाल का जवाब देना सही है या हर सवाल का जवाब पर मौन रहना कहाँ तक सही है, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से हम अपनी उग्रता को खामोशी में कैसे बदलें और खामोशी को अपनी उग्रता में कैसे लाएं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी है या हर सवाल में खामोश हो जाना अच्छा है? मैं कहता हूँ जहाँ आवश्यक है वहाँ जवाब देना चाहिए और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ चुप रहना चाहिए। अब ये कब संभव होगा? जब आपके हृदय में औचित्य का गुण विकसित होगा, कहाँ क्या कब कितना उचित है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य गुण प्रकट हो जाता है वो उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और जो औचित्य गुण से अनभिज्ञ होता है उसे कहने का कोई असर नहीं पड़ता। तो औचित्य गुण हो, कब बोलना और कब टालना। तुम लोग देखते हो ना, मेरे पास भी बहुत सारे लोग घुगली फेंकते हैं पर मैं टाल देता हूँ। जब बोलने से बवाल हो तो चुप हो जाओ, और बवाल को शांत करने के लिए अगर बोलना जरूरी है तो जी खोल कर बोलो। समझ गए, ये एक रास्ता। ओम। संगी समाज के अध्यक्ष श्री किशोर जी तनवानी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे, माइक वहां तक पहुंचाएं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। क्या लिखा है वांगा जी? दाल चावल व्यापारी के मंत्री, पूरी कमेटी उनकी तैयार रहेगी और एक प्रश्न कर लेंगी। हेलो, प्रणाम महाराज जी, नमन करता हूँ आप सभी को। मेरा भी इतना सा प्रश्न है महाराज स्वामी के, आखिर ये मन जो हमारा इतना भटकता रहता है ये हमारे बस में नहीं आता। हम कई बार कोशिश करते हैं लेकिन ये मन पे हमारा कंट्रोल कैसे हो? देखिए बहुत अच्छी बात आपने की है, मन पर कंट्रोल कैसे हो। प्रायः सबके साथ ये समस्या है, मन बस में नहीं होता। दरअसल मन बस में होता नहीं, मन को बस में किया जाता है। और मन को बस में करने का दो रास्ता है, एक तो है अभ्यास और दूसरा है सही एडवाइस, सही मार्गदर्शन, सम्यक दिशा दर्शन। अगर हम मन को हमेशा सही दिशा दर्शन देते रहें तो अपने मन को बहुत अंशों में नियंत्रित कर सकते हैं। एक अनुभव की बात आपसे कहता हूँ, अगर किसी का गुस्सैल स्वभाव है, बात बात में गुस्सा जिसको आता है, आप तो चूंकि एक व्यापारी हैं, ग्राहक पर गुस्सा करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि आपने अपने मन में ये बात बिठा दी है कि मुझे ग्राहक से अच्छा व्यवहार करना है। कोई व्यक्ति मद्यपाई है, कोई व्यक्ति स्मोक करता है, उसके बिना नहीं रह, चेन स्मोकर भी हो एक पल उसके बिना नहीं रह सकता, पर भगवान के मंदिर में भगवान के सामने कभी स्मोक करेगा क्या? क्यों? मन में ये कोड डाला गया है कि ये काम भगवान के सामने करने योग्य नहीं है। तो यदि हम अपने मन को पहले से तैयार कर ले तो हमारा मन कभी भटकेगा नहीं। तो हम अपने मन को कुछ दिशा दर्शन दें, और दूसरी बात मन की सीमाओं को बांधे। ये मेरे जीवन की बाउंड्री लाइन है, इससे बाहर मुझे नहीं जाना। मन नहीं भागेगा और उसके लिए सतत अभ्यास करें, हम अपने आप को संभालें। दाल चावल व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री ईश्वर संगतानी और उनकी पूरी टीम पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न रखे, उसके बाद में दिगंबर जैन पंचायत भोपाल उसके मंत्री मनोज जी। ओम, कौन है? दाल चावल।
ईश्वर जी संतानी या मंत्री उनके हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक साथ आ जाओ सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आ जाइए, सबको आ जाएंगे। उसके बारे में पंचायत समिति के पूरे, क्योंकि समय कम है, पंचायत समिति के पूरे सदस्य एक साथ तैयार रहेंगे, मनोज भी जो मंत्री हैं वो प्रश्न कर लेंगे। बोलिए महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके दर्शन मुझे जब 2019 में आए थे, उसके बाद अब हो रहे हैं, उसके बाद अब हो रहे हैं, उसके पूर्व महाराज जी मैं रांची आया, बाबागिरी आया, शिखर जी आया और कोडरमा। सवाल तो कर लो भैया, है सवाल कोई? चलो एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन कर दें। मैं यहाँ के सभी व्यापारियों के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज अपना बहुत बड़ा त्याग किया और उदारता का परिचय दिया है। ये लोग आग्रह करके, आप देख रहे कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित उनकी दुकानदारी प्रभावित हुई होगी, उन्हें तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन उनके चेहरे को देख के लग रहा है उनको तकलीफ नहीं, हृदय में प्रसन्नता उमड़ रही है। ये भावना अच्छी है, इनके सत्संग प्रेम की भावना है और ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए इन सभी। बोलो मनोज भैया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी आपके चरणों में अनंतानंत बार नमोस्तु करती है। हे गुरुवर, जैसा कि सबको विदित है कि आगामी 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उस दिन आपके आशीर्वाद से संपूर्ण देश में भी हम सभी योग के संबंध में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और आपका आशीर्वाद उसमें सदैव सबको मिलता है। पिछले वर्ष भी हमने जवाहर चौक पर कार्यक्रम किया था। मेरा प्रश्न ये है कि जो अन्य जगह योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम होते हैं और योग होता है, उस योग में और जैन धर्म के योग जो योग प्रभावना योग है, भावना योग जो है, उसमें मूलतः क्या अंतर है और यदि उसमें तन और मन को हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा हम लोगों का प्रश्न है। और आगामी 21 तारीख को हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिले ताकि हम उस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप से भोपाल में संपन्न करा सकें, उसमें उसके लिए भी हमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन। देखिए बहुत अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आगामी 21 तारीख को है, योग भारत की एक बहुत बड़ी साधना है और योग के प्रयोग से ही सभी को मुक्ति की प्राप्ति हो। भारत एक साधना प्रधान देश है, यहाँ की संस्कृति आत्मा से परमात्मा की हुई और यहाँ के विभिन्न धर्मों परंपराओं में अलग अलग तरीके के प्रयोग हुए। आज योग की जब चर्चा आती है तो प्रायः अष्टांग योग को प्रमुखता दी जाती है जिसमें शारीरिक योग ही मुख्य रूप से दिया जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसका अपना प्रभाव है, लेकिन हमारे देश में एक से एक परंपराएँ रही है। भावना योग उसका ही एक रूप है जिसमें शारीरिक व्यायाम की जगह अपने भावनाओं की शुद्धि और निर्मलता की बात की जाती है, जो एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है, जो हमारे तन को भी स्वस्थ करता है, मन को मस्त करता है और हमारी चेतना को प्रशस्त करता है, जिसको अपनाकर हम अपनी शारीरिक मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। चूँकि समय मेरे पास कम है, अभी उस विषय में ज़्यादा व्याख्यान करने का मेरे पास अवकाश नहीं है, लेकिन जो लोग भावना योग से परिचित हैं, पहले भी यहाँ भावना योग का शिविर बृहद पैमाने पर हो चुका है और आगे भी आप लोग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लाभ लेना चाह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा मेरा आशीर्वाद है। आप लोग पूर्ण उत्साह के साथ उसका स्वरूप निश्चित कीजिए और सभी को अवगत कीजिए और आप लोग भी ये मान लीजिए कि 21 तारीख को हमें बृहद पैमाने पर भावना योग में अपनी सहभागिता प्रदान करनी है। कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे बनेगी, मैं समझता हूँ कल सुबह तक उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। हो गया मंत्री जी, बाहर है सिर्फ कल सुबह तक आपको जानकारी मिलेगी और वो कार्यक्रम जिस रूप में हो आप कोशिश कीजिए सभी समुदायों के लोग आए और प्रेरणा पाकर अपने जीवन में एक व्यापक बदलाव घटित करे, यही
पूरा का पूरा यहाँ की कमेटी और कार्यकर्ताओं से भी मेरा आशीर्वाद। दोनों हाथ जोड़ लें पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए कि महाराज जी आप आपके प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। और उसके बाद में यदि समय रहेगा तो वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति जैन यहाँ पर उपस्थित है, राष्ट्रीय मंत्री भी है जैन समाज की और वैश्य समाज की प्रदेश अध्यक्ष जैन समाज की है। आचार्य महाराष्ट्र जी जी के श्री चरणों में पुनः नमन। महाराष्ट्र जी मेरा एक सबसे पहले तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने प्रश्न करने की हिम्मत कर पा रही हूँ। मेरा बचपन से एक प्रश्न है महाराष्ट्र जी कि जो हमारे पिछले जन्म का बंध होता है और हमारे इस जन्म की मासूमियत उस पर वो हावी हो जाता है, सामाजिक दृष्टि के चलते परिस्थितिवश पुनः एक बंध बन जाता है और हम फिर एक बंध बांध लेते हैं, तो इससे पूर्णतः हम किस तरह बाहर निकले गुरुदेव जी बताइए। देखिए ये सब चीज़ें हमारे संस्कारों का खेल जी। पुरातन संस्कार जब हम पर हावी होते हैं हमारी गाड़ी भिदक जाती है, और यदि हम पुरुषार्थ पूर्वक अपने संस्कारों को पलट देते हैं हमारी गाड़ी संभल जाती है। हमारी साधना और कुछ नहीं है, संस्कारों को परिवर्तित करने का ही एक अभ्यास है। हम अच्छे संस्कारों का आरोपण करें और अपने बुरे संस्कारों को विनष्ट करें, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। समय आप सबका हो रहा है, यहीं पर विराम लूँगा और कल का प्रवचन कहाँ कराना चाहते हो? इन लोगों का सुविधा तो नहीं है यहीं, तो कल का प्रवचन इसी स्थान पर होगा, ठीक है? और प्रवचन का समय ठीक 8:15, 8:15 से प्रवचन होगा, आप समय पर आइएगा। और शंका समाधान कहाँ होगा ये सुबह बता देंगे, यहाँ तो मेरे ख्याल से इन लोगों को असुविधा होगी, ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है, कल सुबह बताएंगे। ये लोग सुभाष चौक की बात कर रहे हैं, वो कल बताया जाएगा कि कल का शंका समाधान कहाँ होगा। प्रवचन की तैयारी कीजिए, चलिए।